देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,58,000 से ज्यादा, 4,531 लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक 67,692 मरीजों को किया जा चुका है ठीक। दिल्ली कोलकाता फ्लाइट में मिला कोरोना संदिग्ध, एयरपोर्ट से सीधे ले जाया गया अस्पताल। कोरोना संकट के बीच देश में एक बार फिर शुरू हुई विमान सेवा। मध्य प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटीन के नियमों में किया बड़ा बदलाव। नियमों का नहीं किया पालन तो लगेगा 2,000 का जुर्माना। एमपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस। कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, 4 एडवांस स्टेज में 14 वैक्सीन पर चल रहा है काम। इस वक्त सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी वैक्सीन। वायरस पूरी तरह खत्म कब होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पंजाब में अमरिंदर सरकार की बढ़ी मुसीबत, कोरोना के खौफ के बीच कई वर्ग सरकार से नाराज। अमृतसर में विदेश से लाए गए लोगों को आबादी के बीच क्वारंटीन करने का विरोध। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला चला, पुलवामा में सेंट्रो कार में मिला आईईडी। आईजी विजय कुमार ने बताया हमले के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का था आतंकियों का प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर साधा निशाना। सोनिया की डिमांड, प्रवासी मजदूरों के लिए खजाना खोले मोदी सरकार। किसानों मजदूरों समेत हर तबके की मदद से न जाने क्यों इनकार कर रही है सरकार। भारत की आवाज को बुलंद करने का चलाना है सामाजिक अभियान। प्रवासियों को मदद की मांग के लिए कांग्रेस ने किया कैंपेन। सोशल मीडिया के जरिए 3 घंटे तक लोगों की बात। सोशल मीडिया के जरिए 3 घंटे तक की लोगों से बात, कांग्रेस का दावा। कैंपेन से जुड़े पार्टी के 50 लाख कार्यकर्ता और समर्थक। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का मोदी सरकार पर हमला, कहा चीन के जवान भारत में घुस आए, आप पीटते रहिए थाली। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं विशाल। सुप्रीम कोर्ट का मिडिल सीट बुक करने के मामले में अपने आदेश में संशोधन से इनकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बीच की सीट खाली रखने का दिया था आदेश। कोर्ट ने 6 जून तक बीच की सीट पर बुकिंग की दी है मंजूरी। मजदूरों के लिए मसीहा बनी झारखंड सरकार, ट्रेन की खींचतान के बीच सोरेन सरकार ने मजदूरों के लिए किया फ्लाइट का इंतजाम। लॉकडाउन के चलते प्रवासियों को हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। उत्तराखंड के 71 हेक्टेयर जंगल में लगी आग, पिछले साल यह आंकड़ा 1,500 हेक्टेयर था। पिछले साल के मुकाबले आग का आंकड़ा अब तक काफी कम। दुनिया भर में कोरोना ने मचाई तबाही, अब तक 57,92,000 के पार कोरोना के संक्रमित। कोरोना से 3,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक ठीक हुए 24,99,000 से ज्यादा लोग। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन का दावा, कोरोना की वजह से इस साल के अंत तक भारत समेत दुनिया भर में गरीब होंगे 8.6 करोड़ बच्चे। प्रभावित होने वाले करीब 2/3 अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों के होंगे बच्चे। साझेदारी मजबूत करने की तैयारी में जियो, जियो प्लेटफॉर्म में अब माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगी 2.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी। 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है निवेश। RIL से बातचीत कर रही है दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग। इस हफ्ते होगी 6,770 की छटनी। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने का भी चला रखा है कार्यक्रम। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टलने पर फैसला आज। 3 विकल्पों पर हो सकती है चर्चा। IPL का रास्ता होगा साफ, आज होनी ICC बोर्ड की मीटिंग। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है ये टूर्नामेंट। 3 दिसंबर से शुरू होगी भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। दोनों टीम एडिलेड में खेल सकते डे नाइट टेस्ट। भारतीय टीम को दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 टेस्ट और 3 वनडे की खेलनी है सीरीज। संकट में फिर मददगार बने खिलाड़ी कुमार, करोड़ों रुपए दान करने के बाद अक्षय दिहाड़ी मजदूरों का बने सहारा। मजदूरों की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के खाते में भेजे 45 लाख रुपए। हम तुम फिल्म के पूरे हुए 16 साल, सेट पर डायरेक्टर कुणाल कोहली के साथ झगड़ने लगे थे सैफ अली खान। ऋषि कपूर ने दोनों को समझाकर सुलझाया था मामला।